हेलो, मेरी क्लास की प्रिय सभी छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती समाचार वर्ग 3 मध्य प्रदेश। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिवाली के बाद मध्य प्रदेश में शुरू होगी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती। 18,527 पदों पर होगी भर्ती। ट्विटर पर हमारी जानकारी दी स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार जी ने। ठीक है, मामा ने खोला पिटारा, मामा मजा आ गया आज तो, क्या बात है, नौकरी कब तक मिलेगी। आज के वीडियो में करने वाले हैं हम विस्तार से चर्चा। अगर आपने मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 का एग्जाम दिया है तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एपिसोड नंबर 11 एम्पिटेड वर्ग 3 समाचार मध्य प्रदेश लेटेस्ट न्यूज 22 सितंबर 2022। तो तैयार हो आप सभी, वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी देंगे आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे माननीय मामाजी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि EWS कैटेगरी में हम 50% क्वालिफाई मार्क्स करेंगे। PV ने अभी जो रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया है, रिजल्ट जारी किया है एम्पिटेड वर्ग 3 का, 50% का उसमें लाभ नहीं दिया गया आवेदकों का। तो हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि रिजल्ट हम दोबारा तैयार करेंगे। ठीक है, यानी आपका रिजल्ट अब दोबारा आएगा एम्पिटेड वर्ग 3 का। ठीक है, जो 50% यानी जिन आवेदक जो जनरल कैटेगरी से जिन्होंने EWS से अप्लाई किया और 90 से कम स्कोर है, वो स्टूडेंट डिसक्वालीफाई हैं, तो उनको क्वालिफाइड अब किया जाएगा। जाको मतलब तो जो भाव, हमने तुम्हें बता दो। अब आगे देखते हैं कि आगे हमें तुम्हें और का जानकारी देने। ठीक है, जैसा कि आप सभी यहां पर देख रहे हो, दैनिक भास्कर एडिशन की बात कर रहे हैं, चाहे हम भोपाल की बात करें, चाहे ग्वालियर की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश में खबर हो चुकी है वायरल। मध्य प्रदेश में दिवाली के बाद प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होगी शुरू। 18,527 पदों पर होगी प्राइमरी टीचर्स की भर्ती। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ से किन पदों पर भर्ती होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 पद भरे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी जनजातीय कार्य विभाग में स्कूलों, जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में 11,098 टीचर्स की होगी भर्ती। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 18,527 पदों पर एक साथ भर्ती को मतलब जो भाव, आपकी ज्वाइंट काउंसलिंग होगी। वर्ग 1 वर्ग 2 में सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगे थे, स्कूल शिक्षा विभाग में भी जिन स्टूडेंट का नाम आया है और उस आवेदक का नाम जनजातीय कार्य विभाग की मेरिट लिस्ट में भी आया, यानी इसमें यानी वर्ग 3 में इस तरह की गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 पद, जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पद, यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 18,527 पदों पर भर्ती होगी, ज्वाइंट काउंसलिंग होगी। सबसे बड़ी बात क्या होगी, ज्वाइंट काउंसलिंग होगी, यानी आवेदकों की पुनरावृत्ति देखने को नहीं मिलेगी। दिवाली के बाद भर्ती चालू हो जाए तुम्हारी, यानी दिवाली पे क्या बात है, आजकल तो बहुत रसगुल्ला बर्फी मिठाई बटे जाने काका बटे, हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा हूँ कि दिवाली की तैयारी करना आज से ही प्रारंभ कर दें या थोड़ा इंतजार करें। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देख रहे हो दिवाली के बाद शुरू होगी 18,527 पदों पर प्राइमरी टीचर्स की भर्ती। EWS कैटेगरी की रिजल्ट दोबारा तैयार होगा, स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार जी ने कह दिया है। इनकी एक बात और तुम नोटिस कर लो, ठीक है,
उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अभी भी है जारी। हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे 2018 में आयोजित की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित माध्यमिक उच्च माध्यमिक की भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी है। स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग दोनों के स्कूलों में अभी भी करीब 5000 से ज़्यादा शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे। क्या बात है, नियुक्तियों को इंतजार कर रहा है कि नियुक्ति को इंतजार कर रहा है, हमें कमेंट करके बता दो। ठीक है, कमेंट जरूर करें आप सभी। यहाँ पर आप सभी देख रहे हो मध्य प्रदेश में EWS कैटेगरी में 10% पर द्वारा बनेगा आपका रिजल्ट, बहुत जल्दी आपको द्वारा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बात हम तुम्हें और बता दें कि अभी मैंने भोपाल एडिशन की खबर आपको बता दी थी, हालांकि इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। यहाँ पर दिवाली के बाद मध्य प्रदेश में शुरू होगी प्राइमरी टीचर्स की भर्ती। ठीक है, इसके अलावा हम आपको एक अपडेट और दे देते हैं। भोपाल एडिशन की खबर है, मैं आपको बता चुका हूँ किन किन विभागों में किस तरह पदों पर भर्ती होगी, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वेरीफिकेशन की क्या प्रोसेस होगी, हम तुम्हें बताएंगे अगली वीडियो में। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की जानकारी पाने के लिए आप कहीं ना जाएं, लकी सर पर विश्वास रखें। आपके मन में जितने भी डाउट है, जितने भी प्रश्न चिन्ह है, आप लकी सर से कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। आपके घर को चैनल है, जो तो तुम्हारे घर ही को चैनल है, और वीडियो तुम्हें अगर हमारा अच्छा लगा था तो लाइक करो, कमेंट करके जरूर बता दो। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो 18527 पद, अच्छे से आंकड़ा याद कर लेना। अब आप लोगों के मन में किसी भी तरह की शंका है, प्रश्न चिन्ह है, डाउट है, तो कृपया करके कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, लकी सर तो आपके ही हैं। यहाँ पे देख रहे हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ MP, यहाँ पे आप सभी देख रहे हो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ MP आयुक्त लोक शिक्षण श्री यहाँ पे अभय वर्मा जी ने बताया कि किए गए संशोधन के अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार कर, यानी द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार होगा। ठीक है, इसकी कार्रवाई यानी प्रोसेस अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में की जाएगी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आपकी भर्ती प्रारंभ कर दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग की यहाँ इस बार आपकी ज्वाइंट काउंसलिंग होगी, यानी संयुक्त काउंसलिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक और स्लाइड है, हाँ, स्कूल शिक्षा मंत्री का है, हमारा ट्विटर अकाउंटेंट की ट्विटर से जानकारी निकाली गई है, आप देख सकते हो। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको जानकारी दी जाती है 100% ऑथेंटिक और सटीक जानकारी दी जाती है। राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश, ठीक है, प्रभारी मंत्री हैं, यह जिला बैतूल एवं झाबुआ के। ठीक है, तो इन्होंने कह दिया है कि मध्य प्रदेश में इस बार हम करने जा रहे हैं 7,429 स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग 11,098 पद, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 18,527 पदों पर एक साथ यानी ज्वाइंट काउंसलिंग होगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे ट्विटर अकाउंट है, मैंने आप सभी को दिखा दिया, EWS के लिए द्वारा रिजल्ट बनेगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी मन में प्रश्न चिन्ह है, डाउट है, आप कमेंट करके बताएं, लकी सर आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो मेरी क्लास के प्रिय सभी छात्र एवं छात्राओं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताओ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, जिससे कि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपसे बहुत जल्दी फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, उसमें हम आपको बताएंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो अब हम बाय बाय बोलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।